अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट अलीशा और आप देख रहे हैं सोशल बिज। सोशल बिज में आज आपको क्या दिखाने वाली हूं, टेलीविजन पे क्या हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और किस सेलिब्रिटी की कौन सी वीडियो वायरल हो रही है, आज ये सब आपको देखने को मिलेगा आज के शो में। और शायद आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान फीमेल स्टार से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। मार्वल की न्यू सीरीज रिलीज हो चुकी है, मिस मार्वल का दूसरा एपिसोड भी आ चुका है। इसमें कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेस मंजर आम पर नजर आए हैं और कुछ कभी आना बाकी है। सबसे पहले पाकिस्तानी रैपर इवा बी ने इसका पहले एपिसोड का गाना गाया है जिसका नाम नूरी है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो रहा है। इवा बी के अलावा इसमें और भी कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिसमें समीना अहमद और निम्या भी शामिल है, जिनका किरदार तो मंजर आम पर आ चुका है लेकिन मैं विशेष का भी आना बाकी है। इसमें कुछ सरप्राइज करेक्टर आना भी बाकी है। रूमर्स के मुताबिक पाकिस्तान के मोस्ट फेमस और हैंडसम सेलिब्रिटी फवाद खान भी इसमें रोल प्ले करने वाले हैं और अब देखना ये है कि पाकिस्तानी ऑडियंस को मिस मार्वल और कितने सरप्राइजेस देती है। बॉलीवुड की न्यूली मैरिड कपल जिनकी अभी ही शादी है जी में, आर्या भट्ट और रणबीर कपूर की बात कर रही हूँ। उनकी आने वाली फिल्म जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है, इसका ट्रेलर 15 जून को रिलीज हुआ है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे आर्या भट्ट, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन, मोनी रॉय और इसके डायरेक्टर हैं आयान मुखर्जी और इसका बजट है 300 करोड़। माया खान के पोस्ट पे उनके एक फैन ने बहुत ही क्यूट सा एक कमेंट किया, मैम प्लीज रिजेक्ट मी सो आई कैन मूव ऑन, जिसके रिप्लाई में माया खान ने कहा प्लीज मूव ऑन आई एम टेकन, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माया खान किसी रिलेशनशिप में है और उनके फैंस का दिल टूटा है। इससे रिलेटेड और मालूमात है हमारी वेबसाइट। उनकी चेकिन होने का शौक लगा, इससे बड़ा शौक हमें तब लगा जब आयमा बेग और उनके मंगेतर शहबाज के मंगनी टूटने का पता लगा। इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं लेकिन इस बात का अंदाजा उनके अकाउंट से लगाया जा सकता है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया और साथ ही अपने साथ जो पिक्चर्स थी वो भी डिलीट कर। फैन के लिए एक सैड न्यूज़, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की जिससे हमें पता लगा कि उनका आधा फेस पैरालाइज हो चुका है, जिसकी वजह से उनको अपने कुछ शोज भी कैंसिल करने पड़े। इस न्यूज़ की और डिटेल जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए 92plus.com। Hey everyone, Justin here. I wanted to update you guys on what's been going on. As you can probably see from my face, I have this syndrome, virus attacks the nerve in my ear. My facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. It's gonna be okay. And I have hope and I trust God. I trust that this is all gonna, it's all for a reason. And, I'm not sure what that is right now, but in the meantime, नेटफ्लिक्स से पॉपुलर सीरीज स्क्विड गेम इतनी कि उसने सीजन 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी है। मैं आपको बताती चलूँ, ये एक कोरियन सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और सीजन 2 बनाने पर मजबूर है। पाकिस्तानी फिल्म की बात की जाए और पाकिस्तानी फिल्म दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज को टक्कर देने में कामयाब है। 24 जून को सिनेमा हाउसेस में चौधरी फिल्म रिलीज हो रही है। चौधरी असलम पे इसकी बायोपिक बनी है। इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे तारिक इस्लाम, शामून अब्बास, अरबाज खान और यासिर हुसैन। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं अजीम सज्जाद और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नेहा लज। इस फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म सस्पेंस और एक्शन से भरपूर है।
कितना सीरियस है ये तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर पता लगाया जा सकता है। उन्होंने एक और वीडियो शेयर की अपने वर्कआउट करते हुए। बीबी म्यूजिक तो इंस्टाग्राम पे आपने वायरल वीडियोस देखी ही होंगी। हमारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज मशाल खान और हमाद शरीफ भी अपनी इस सॉन्ग की वीडियो बनाई है। फराह खान ने फिर से एक नए अंदाज में मेहूना सॉन्ग पे एक वीडियो शेयर की जिसमें विक्की कौशल भी है। और अब हम लास्ट में देखेंगे हमारे फिल्मी सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स और वीडियोस का मोंटाज। ये था हमारा आज का एपिसोड। और हमारा एपिसोड आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 92% लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।